शाहिद अफ्रीदी के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट काफ़ी कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने इंडिया प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी कुछ कहा है, ओवरऑल क्या कहते हैं? देखिए, मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि कई लोग सिर्फ उम्र में बढ़ते हैं, दिमाग में नहीं। और अगेन एक और एग्जांपल यही है कि 16 साल के आदमी बन चुके हैं, वो बच्चे तो रहे नहीं क्योंकि पेपर में तो 40 साल के। लेकिन इस समय में भी जब पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से लड़ रही है, कोरोना वायरस, उसके बावजूद अगर आप राजनीति करते, कश्मीर का इशू उठाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो इसे पता चलता है कि आपकी क्या सोच है और आप ही की नहीं आपके देश की क्या सोच है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इस टाइम पर अगर आप सामान बांट रहे हैं या खाना बांटने गए तो यहाँ पर उस टाइम आप सिर्फ गरीब लोगों की मदद करिए। इस टाइम राजनीति करने का क्या फायदा है, कश्मीर के बारे में बात करने का या फिर इंडिया के बारे में बात करने का? आप अपना देश देखिए ना, आपके देश में खुद आपके पास पैसा है नहीं, लोग वहां पर मर रहे हैं, उसके बावजूद आप राजनीति करें इसलिए क्योंकि एक ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान में कि अगर आपको पॉपुलर होना है तो फिर इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री जी को अजीब अजीब चीजें बोलिए, तो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। मतलब इससे पहले भी देखा गया है कि कई सारे अननोन टेररिस्ट का अटैक होता है, कई बहुत कई रेवोल्यूशन होते हैं। क्या आपको लगता है कि इस वक्त भी जैसे कि शाहिद अफ्रीदी बोल रहे हैं पड़ोसी देश को समझने को? बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इस टाइम पर आप देखिए कि पूरी दुनिया एक इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही है जहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाले हैं, हर देश में इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाले हैं, इकोनॉमी शार्टर होने वाली है, सारी दुनिया एक तरीके से लॉकडाउन में, उसके बावजूद अगर आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो फिर आपकी ये सोच दर्शाती है कि उस देश की क्या सोच है। कि कभी आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, कभी आप आतंकवादियों को भेजते हैं, कभी आप ऐसे ऐसे बयान देते हैं जब आप मदद कर रहे हैं लोगों की, तो जब आपकी ऐसी सोच होती है तो फिर आप डेवलप भी नहीं होते ना, आप मेंटली डेवलप होते हैं ना, आप एज ए ह्यूमन डेवलप होते हैं ना, ही एज ए नेशन भी डेवलप होते हैं। तो इसलिए बहुत अनफॉर्चुनेट है एंड आई होप कि अगर इसे सीख जाएं, क्योंकि हम सीखने की कोई उम्र नहीं है, अगर अभी भी सीख जाएं तो शायद कुछ उनका भला हो सकता है, नहीं तो अगर आप ऐसे बयानबाजी करते रहेंगे तो लोग आपको वैसे ही सीरियसली क्रिकेट में भी नहीं लेते थे, अब तो वैसे भी नहीं लेंगे।